रहे हैं इनके लिए बहुत ज्यादा, और मैं तो सैल्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों आप सबने K2 का नाम तो सुना ही होगा, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो आज इसी टॉपिक पर मैं रिएक्शन दूंगा। आज की वीडियो का टॉपिक है नेपलीज टीम क्लाइम्स फर्स्ट विंटर एसेंट ऑफ पाकिस्तानी K2। इसका मतलब के नेपाली क्लाइंबर्स ने फर्स्ट एसेंट विंटर में K2 को क्लाइम किया है। तो ये बहुत प्राउड की बात है पाकिस्तान के लिए और नेपाल के लिए। क्यों पाकिस्तान के लिए? इसलिए कि दूसरे मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के क्लाइंबर्स ने पाकिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पाकिस्तान में जो लोकेटेड है K2, उसे क्लाइम किया। और नेपाल के लिए इसलिए ये प्राउड की बात है कि नेपाली क्लाइंबर ने पाकिस्तान में जाकर क्लाइम किया माउंट K2 को, जबकि यहां पर भी दुनिया की 8 सबसे ऊंची माउंटेन्स लोकेटेड हैं, उसमें सबसे टॉप है माउंट एवरेस्ट। तो आए एक बार वीडियो को देखते हैं और सैल्यूट करते हैं इन लोगों को जो पाकिस्तान की K2 माउंटेन, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन क्लाइम करके आए हैं। तो एक बार वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और एक बहुत खुशी की खबर मैं नेपाल के लिए लेकर आया हूं। जी हां, खबर है नेपाली पर्वत आरोहियों की। नेपाली पर्वत आरोहियों की एक टीम ने शनिवार यानी कि आज सर्दियों में पाकिस्तान के K2 पहाड़, जिसे काराकोरम सैवेज माउंटेन कहा जाता है, उसको फतह किया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया, यानी कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में इस पर बात की है और इसमें क्या असाधारण है जिसके लिए दुनिया के लिए ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको बता दूं कि नेपालियों की ये टीम जब शिखर पर पहुंची, तब उन नेपाली टीम के सभी मेंबर ने अपने देश का राष्ट्रगान गाया और इतिहास रच दिया। जी हाँ, ये एक इतिहास है जो कि नेपालियों ने रच दिया। आपको बता दें कि काराकोरम यानी कि K2 पहाड़ दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि करीबन 8000 मीटर ऊपर है। बहुत सारे पर्वतारोही पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंचने के लिए एक प्रतिस्पर्धा में थे, यानी कि एक रेस में थे, जो कि करीबन 8000 मीटर ऊपर चोटी पर जाने की रेस थी, वो भी ऐसे कड़कते सर्दियों के मौसम में जब काराकोरम के पहाड़ पर सर्दियां सबसे ज्यादा होती हैं। और इस चढ़ाई के रेस में नेपाल की टीम अव्वल रही, यानी कि नेपाल की टीम ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया और इस कड़कती ठंड में वहां पर एक इतिहास रच डाला। अब आपको बता दूं, ये अपने आप में इतिहास नेपाल के लिए इसलिए भी है क्योंकि पहली बार इस माउंटेन को पूरी तरह से किसी ने फतह किया है, काराकोरम माउंटेन यानी कि K2 माउंटेन पाकिस्तान पे। तो नेपालियों का नाम इस प्रतियोगिता में सबसे अव्वल रहेगा, वो भी 38 साल बाद हो रही इस प्रतियोगिता में, और जिसे कोई पूरा नहीं कर पाया, इसलिए नेपाल का नाम इसकी हिस्ट्री में हमेशा रहेगा। और आपको बता दूं कि इस चढ़ाई में दुनिया भर से बहुत सारी टीम आई थी जो कि इसमें कॉम्पीट कर रही थी, और उनमें नेपाल की टीम ने सबको हरा दिया। और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है, आपको बता दूं कि एवरेस्ट की फर्स्ट विंटर समिट 1980 में हुई थी, उसके बाद ये समिट 1983 में हुई थी, जो कि K2 माउंटेन पर ठंडियों में ही होती है, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा होता है कि जो लॉजिस्टिक यानी कि सामान जो यूज होता है वो काफी महंगा सामान होता है जो ये क्लाइंबर्स लेके जाते हैं अपने साथ। और एक बार फिर अब 38 साल बाद K2 की ये विंटर समिट हुई और 10 नेपाली शेरपाज ने इस K2 समिट पर फतह हासिल की,
जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गई, क्योंकि इस चोटी को इस समिट में विंटर के दौरान आज तक कोई भी नहीं क्लाइम कर पाया, क्योंकि विंटर में चढ़ने का रास्ता एकदम बदल जाता है और पहाड़ की पूरी ज्योग्राफी ही चेंज हो जाती है। तो इसलिए अभी तक इस माउंटेन पर कोई भी नहीं चढ़ पाया था इस विंटर समिट में, जिसमें नेपालियों ने यह कर दिखाया और नेपाल की 10 शेरपाओं की टीम ने इस माउंटेन पे 8000 मीटर ऊपर तक क्लाइम करके दिखाया, जो कि दुनिया की सेकंड सबसे ऊपर माउंटेन चोटी है। यहाँ का तापमान माइनस से भी बहुत नीचे जाता है। इन शेरपास के नाम की बात करें तो मिग्मा ग्यालजी शेरपा और निर्मल पुरजन पुन मगर ने साथ मिलकर 8 और शेरपास की टीम बनाई। जो 8 शेरपास थे वो थे गिलीची शेरपा, मिग्मा डेविड शेरपा, मिग्मा तिंजी शेरपा, देवा तेम्बा शेरपा, पेम चिरी शेरपा, किलू पेम्बा शेरपा, दावा तंजिंग शेरपा और सोना शेरपा। तो ये और अन्य 8 नेपाली शेरपाज हैं। इन 10 ने मिलकर ही इस केटू माउंटेन को फतह किया और नेपाल का नाम रोशन किया। जैसा कि हम जानते हैं, नेपाल को खूबसूरती से नवाजा गया है, साथ ही साथ नेपाल के पास दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक यानी कि माउंट एवरेस्ट है, जिसके चलते नेपालियों के पास एक बड़ा एक्सपीरियंस है ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का, और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की हाइट से थोड़ी ही कम है, इसीलिए नेपालियों की टीम ने इसको आसानी से कर दिखाया। आपको बता दें कि काराकोरम सैवेज माउंटेन इस समय विंटर में किया गया, यानी कि एक कड़कती ठंड में किया गया, जिससे इस पे चढ़ना और कठिन हो जाता है। अब ये उपाधि कोई छोटी उपाधि नहीं है, क्योंकि विंटर्स में पहाड़ों पर चढ़ना और ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है, साथ ही साथ बर्फ की एक मोटी चादर पहाड़ों पर होती है, तो कई खतरे भी होते हैं, तो इसलिए ये प्रतियोगिता बहुत कठिन होती है। आपको बता दें कि सेवन समिट ट्रैक ने ट्वीट करके बताया कि नेपाली क्लाइंबर्स ने रीच किया माउंटेन केटू यानी काराकोरम को आज 16 जनवरी सैटरडे को, और उसका समय रहा करीबन शाम के 5 बजे, यानी कि अभी से 10-12 घंटे पहले ही नेपाल की टीम ने फतह किया केटू माउंटेन। तो इसके लिए नेपाल की टीम को बहुत सारी तालियों से नवाजा जरूर जाना चाहिए, और उसके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर हर नेपाली का दिल गर्व से चौड़ा हो जाता है। अगर आपको इसका पूरा इतिहास बताऊं तो 1987 से लेकर 1988 के बीच में कुछ लोगों ने इसको चढ़ने की कोशिश भी की थी, जो कि इस माउंटेन को चढ़ नहीं पाए थे और करीबन 7650 मीटर से ऊपर नहीं जा पाए थे, और जबकि कंडीशन गुड थी क्लाइम करने के लिए, और उसको फतह नहीं कर पाए थे। लेकिन जहां कोई नहीं जा सका, वहां इन नेपालियों ने अपनी जगह बना ली और नेपाल का नाम गर्व से रोशन कर दिया। खबर के मुताबिक करीबन 60 क्लाइंबर्स थे जो कि इस माउंटेन पर चढ़ने वाले थे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 10 नेपाली थे जो कि अलग अलग टीम में थे पहले, पर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, जिससे वे नेपाल का नाम रोशन कर सके और ये उपाधि नेपाल के नाम कर सके। अब आपको बता दूं कि ये कितना खतरनाक है। इसमें आने वाले संघर्षों की बात करें तो इस पीक पर चढ़ने के लिए करीबन 200 किलोमीटर पर आवर यानी कि 125 माइल पर आवर का करीबन विंड स्पीड रहता है, यानी हवाएं इतनी तेज चलती हैं। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर -60 डिग्री, आप सोच भी नहीं सकते -60 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जब 15 डिग्री जाता है तो लोगों की हड्डियां कड़कड़ा जाती हैं, और जब टेम्परेचर -60 डिग्री है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जाने के लिए कितना जोर लगता होगा और कितनी ठंड और कितना शरीर को संघर्ष लगता होगा। -60 डिग्री यानी करीबन 76 फ़ारेनहाइट, तो ये अपने आप में नेपालियों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इन 10 नेपालियों की टीम ने एक करिश्मा कर दिखाया नेपाल के लिए, जो कि नेपाल का नाम हिस्ट्री बुक्स में अब हमेशा याद रखेगा। तो कहीं ना कहीं नेपाल ने अब एक हिस्ट्री बना दी है, और इस हिस्ट्री को तोड़ना तो नामुमकिन ही लगता है, और हो सकता है कि कोई और नेपाल की ही टीम इस हिस्ट्री को तोड़ दे, क्योंकि नेपाल के ही पास है दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन और दुनिया के सबसे अच्छे माउंटेन क्लाइंबर्स। तो कहीं ना कहीं अगर ये रिकॉर्ड टूटता है तो फिर से नेपालियों के ही नाम होना तय है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। तो नेपाल की इस अचीवमेंट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपको क्या लगता है इन्होंने कितनी कठिनाई झेली होगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं।
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि ये अपडेट कुछ चंद घंटों पहले की है। तो ऐसी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद NI News। तो गाइस, जैसा कि हमने देखा वीडियो में और सुना भी कि ये 8 क्लाइंबर्स हैं नेपाल से, मतलब पहले 10 थे अलग अलग, तो इन्होंने उधर क्लाइंब करने से पहले एक टीम बना ली 8 मेंबर्स की। तो टेम्परेचर उसने बताया 60 डिग्री -60 था, जो कि बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे हम लोगों को 15 टेम्परेचर चला जाए, इधर नेपाल में खैर जाता तो नहीं है, लेकिन अगर चला जाए तो इंसान की हड्डियां जमने लग जाती, खून जमने लग जाता है, इतनी सर्दी होती है। तो ये तो फिर भी K2 है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी जिसपे ऊपर जाकर ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, और साथ ही में टेम्परेचर इतना हाई होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन्होंने नाम कमाया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है इन 8 क्लाइंबर्स ने। तो इनके लिए आप भी प्लीज़ तालियां बजाएं, क्लैप करें, इनको अप्रिशिएट करें और इनके लिए सैल्यूट ज़रूर करें। तो मुझे तो सैल्यूट करने का मन किया, मैंने सैल्यूट कर दिया, अब आपकी बारी है, आपने सैल्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का भी नाम इन्होंने रोशन कर दिया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले ये वीडियो को लाइक करें, मेरी बाकी वीडियोस को भी लाइक करें, उनमें कमेंट करें, इस वीडियो में कमेंट करें और बताएं कि मैं किस वीडियो पर रिएक्शन दूं, कौन सी वीडियो पर आपको रिएक्शन देखना अच्छा लगेगा, वो मैं ज़रूर डिमांड पूरी करूँगा। और दोस्तों साथ ही में सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके मेरी वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरी वीडियोस वायरल हो सकें और भी लोग मुझे डिमांड कर सकें अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। तो होप यू गाइस विल कोऑपरेट मी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।